हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी चैप्टर अनसॉल्व्ड एग्जांपल। ओके, सो द फर्स्ट वन, फाइंड एफ ऑफ ए वेयर द फंक्शन गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स लेस देन थ्री। मतलब ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन वो एक्स लेस देन थ्री के लिए डिफाइंड है, और अगर एक्स थ्री से इक्वल हो या बड़ा हो तो उसके लिए टू ए एक्स फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे काफ़ी ईजी होता है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, वो लिमिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है थ्री, ठीक है, ये ध्यान में रखो। ओके, जब कभी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया होता है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट होता है। एग्री? यस, लिमिट एग्जिस्ट होता है। लिमिट एग्जिस्ट होता है मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होता है दोनों का। सो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री, निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है ना, ठीक है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट है मतलब दोनों साइड के लिमिट एग्जिस्ट है। ओके, एंड इक्वल है ऊपर से, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा लिखा। ओके, अब थ्री निगेटिव क्या दिखाता है, निगेटिव साइड। निगेटिव साइड का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन विथ द लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री माइनस रेज टू माइनस, थ्री माइनस मतलब माइनस थ्री नहीं लिखना वहां पे। और पॉजिटिव साइड का लिमिट क्या है, दैट इज अ टू ए एक्स। ओके, लेट द पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री टू इंटू ए इंटू थ्री। ओके, तो थ्री स्क्वायर माइनस वन होता है एट, और यह हो जाएगा सिक्स ए, तो इट विल बिकम एट बाय सिक्स। अगर टू से डिवाइड किया जाए तो फोर बाय थ्री। ओके, इस तरीके से। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ ही जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अब फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट है मतलब क्या, लिमिट एग्जिस्ट है मतलब क्या, दोनों साइड के डेरिवेटिव इक्वल है ना। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू टू रेस टू माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे टू वैल्यू कॉमन है। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस टू है, ठीक है, यहाँ पे माइनस टू लेनी नहीं, यहाँ पे प्लस टू करनी है आपको, टेक्स्ट बुक में दिए है। ओके, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस, सो जरा ध्यान से। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन क्या है, जब वो लेस देन की तरफ है एक्स, एंड फंक्शन क्या है जब वो पॉजिटिव की तरफ है, दैट इज अ बी एक्स स्क्वायर। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज टू, दिस इज बी इंटू टू स्क्वायर, देयरफॉर बी की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू। ओके, और रुको, देखो ये स्क्वायर, ओ ओ ओ, ये सभी कैंसिल हो गए, आंसर ये टू और ये कैंसिल, तो वन इज इक्वल टू बी इंटू टू, दैट इज बी इज इक्वल टू वन बाय टू। ओके, लाइक, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, गिव द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो इट्स वेरी क्लियर, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, पहले से ही फ्रैक्शन मतलब पार्ट गिरा के रखे, तो हमें ज़्यादा कुछ वहाँ पे उधम करने की जरूरत नहीं। ओके, सो सो फंक्शन एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, ठीक है, सो द डिनोमिनेटर एक विल वैनिश, विल वैनिश एट एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू फोर। देखो डिनोमिनेटर जहां पे वैनिश होगा वो होगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल टू एंड फोर। ओके, नेक्स्ट वन उसी का ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टू साइन एक्स। आहा, तो ट्रिगो आ गया, ट्रिगो में क्या करें, ठीक है, एज अ काफी इजी, हमें बस यही चेक करना है कि ये कहाँ पे जीरो होगा। ओके, सो यहाँ पे टू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन,
So sin x is equal to minus 1 by 2. So x is equal to sin inverse minus 1 by 2. अब हमें पता है sin minus theta is minus sin theta. Therefore, minus sin inverse 1 by 2. Okay? This is काफी easy है. अब हमें बस वो x की वैल्यू निकालनी. अब एक बात, वहां पे बहुत सारे मतलब ये है अपने पास रास्ते हैं. पहली बात, आपको अलाइड एंगल्स पता होने चाहिए कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं. आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा. तो हमें यहाँ पे एक ऐसा बंदा पुट करना है जो हमें ये वैल्यू दे. मतलब क्या, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें माइनस साइन थीटा दे. तो माइनस साइन थीटा, तो मुझे एक बात बताओ, माइनस साइन थीटा कहाँ कहाँ पे होता है? एक थर्ड क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, बाकी सब जगह साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन देगा हमें? कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. अब आप बोलोगे ये कैसे, एक घर से लर्न करके आए हो क्या? नहीं, पहली बात पाई बाई टू मतलब चेंज, मतलब कॉस रहा तो साइन हो जाता है. ठीक है, हाँ कॉस रहा तो साइन हो जाता है. और ये थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा कौन सा है? ये वाला. यहाँ पे कॉस कैसे होता है? निगेटिव. देयरफॉर मैंने निगेटिव साइन दी. ओके, सो लाइक दिस. सो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा. लेकिन वन बाई टू मतलब कौन सा एंगल गाइस? माइनस साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स. माइनस साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स. सो थीटा हो गया यहाँ पे पाई बाय सिक्स. देखो ये एग्जाम्पल आपको झटक से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको ट्रिगो का स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस सेवन पाई बाय सिक्स. सो एट अ थीटा सेवन पाई बाय सिक्स दिस विल बिकम जीरो. और अगर आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो टू एन पाई. ठीक है, ये देखो जरा ट्रिगो वगैरह पढ़ो. जब आप ट्रिगो पढ़ोगे तब जाके ऐसे सॉल्यूशंस पता होंगे. ठीक है, अदरवाइज छोड़ ही देना पड़ेगा. ओके, लास्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस थ्री एंड सिक्स माइनस सिक्स. और इंटरवल दिया है ये, क्या इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या? भाई वही चेक करना है. ठीक है, अब एक बार हमने अभी थ्योरम पढ़ा कि अगर फंक्शन बाउंड्री पे कंटिन्यूअस है हाँ तो पूरा इंटायरली कंटिन्यूअस होता है, उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ओके, सो देयरफॉर हम बस बाउंड्री वैल्यूज चेक करेंगे क्यों फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं. सो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री सिक्स माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू थ्री. दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री. एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री दैट इज जीरो, क्योंकि थ्री माइनस थ्री तो जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो व्हाटएवर देयर. ओके, सो एग्जिस्ट देन एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स एफ ऑफ सिक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स माइनस थ्री सिक्स माइनस सिक्स. इट विल बिकम अगेन जीरो, क्योंकि सिक्स माइनस सिक्स तो जीरो एग्जिस्ट. हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ एक्स. हेंस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल थ्री टू सिक्स. ओके, लाइक तो डरने वाली कोई बात नहीं उसके अंदर, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं. ओके, इस तरीके से. नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ओरिजिन. ओके, मतलब ओरिजिन मतलब हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्रूव करने को कहा है. ओके, सो देखो अगर ये फंक्शन ओरिजिन पे कंटिन्यूअस रहा तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू. ओके, अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू टू आती है या नहीं. वो तो देखते ही पता चल रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होते हैं. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू लिमिट नहीं, एक एक करके फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या होता है. क्या हो जाएगा? अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी. दैट इज एक्स माइनस एक्स अपॉन टू दैट इज जीरो अपॉन टू दैट इज जीरो. ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, अब ये नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी वैल्यू? नेगेटिव ओपन होगी. माइनस एक्स अपॉन टू
minus 2x upon 2, that is once again 0. I am sorry, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे लिमिट लिखना पड़ेगा. सो एज x इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगी. ओके, सो हम जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड. यहाँ पे 2 है फंक्शन क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 2 है. ओके, सो इसको जरा रिप्लेस करो, वो गलती से लिखा गया था. सो ये फंक्शन क्या होगा, देखो ये 0 0 दे रहा है, ठीक है, एट ओरिजिन ये फंक्शन क्या दे रहा है, 0 0. ओके, सो बट हमारी एट x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या है, 2, लेकिन वो 2 नहीं दे रहा है. ओके, वो 2 नहीं दे रहा है. हाँ, आपको चाहे मुझे पता नहीं कितना याद है कि आपने डाइवर्जेंस क्राइटेरिया सीखा है लिमिट के अंदर, ठीक है. कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब कहा जाता है जब वो नॉट इक्वल टू एल होगा, ठीक है. अब यहाँ पे एल क्या है, 2, लेकिन हमारा एल क्या आ रहा है, 0, कैसे चलेगा. सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन. ओके, ठीक है, ध्यान में रखो. एंड द लास्ट वन, फाइंड अल्फा एंड बीटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा इन दिस सेशन, 2x plus 1 in this session, beta minus x in this session. अब देखो सॉल्व करने की टेक्टिक्स क्या है. ओके, ये आपने 12th में भी सॉल्व किया होगा अगर आपका ओल्ड सिलेबस होगा तो. ओके, नाउ अब यहाँ पे पेयर बना के सॉल्व करना है, पहले ये वाली पेयर एंड देन ये वाली पेयर, लेकिन लिमिट क्या लेंगे, ठीक है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन लिमिट क्या लेंगे, लिमिट की दिक्कत है. ओके, सो फॉर द लिमिटिंग पॉइंट, ओके, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, अभी हमने ये वाला उठाया ना, तो ये वाला भी उठाना पड़ेगा. तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस 3002, सो 0 इज कॉमन, देयरफॉर लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x प्लस अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 2x प्लस 1. ओके, लाइक दिस. ओके, आप वैसे वैसे लिखा था तो चलेगा, कोई बात नहीं. ओके, नाउ 0 पुट कर दो तो यहाँ पे बचेगा अल्फा और यहाँ पे बचेगा 1. लिमिट डाल दो, डायरेक्ट डाल दो, कुछ नहीं होता, 2 इंटू 0 इज 0, सो अल्फा की वैल्यू आ गई 1. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे ये वाले बॉक्स की. तो ये वाले बॉक्स के लिए ये भी आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन ऑलवेज है ना क्रॉस में होता, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, लिमिट x टेंस टू 2, 2 ही है ना, 2, पहला फंक्शन है 2x प्लस 1, यहां पे नेगेटिव लिखना हमेशा, इज इक्वल टू लिमिट x टू 2 प्लस, और यहां पे क्या है, बीटा माइनस x. ओके, सो लिमिट 2 डाल दो, सो 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा बीटा माइनस 2, 2 टू 4 प्लस 1, बीटा माइनस 2, 4 प्लस 1 इज 5, तो बीटा आ जाएगा 7. ठीक, इस तरह से मतलब दो दो के ग्रुप बना के आपको सॉल्व करना है. सो गाइस, हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है कंटिन्यूटी चैप्टर. अगर आपको इसके बारे में दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए. ओके, हाँ, अगर यूजफुल लगे तो कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, अदरवाइज नीड नॉट नेसेसरी. ओके, सो थैंक यू.